दिल दियां गल्लां यूट्यूब चैनल ते जगमोहन सिंह पट्टी एडवोकेट तुहाडे लई हाजिर है नवीं गल्लां ते नवे खुलासे लैके। अज दे खुलासे जिहड़े ने ओह इह ने कि जिहड़े मोदी सरकार दे दिन ने ओह गिनती दे रह गए ने जां मिनती दे रह गए ने जां किवें दे रह गए ने, इहनां बारे गल करनी बड़ी जरूरी है। तुसीं इह देखो जदों भी कोई घटनाक्रम होया मोदी सरकार 2014 विच बनी और किवें ते किस हिसाब नाल बनी इहदी बैकग्राउंड नूं थोड़ा जिहा देखना बहुत जरूरी है। अन्ना हज़ारे अंदोलन होया सी तुहानूं याद होएगा और एक कहा गया सी कि 1,76,000 करोड़ का घोटाला होया देश दे विच। इस घोटाले नूं जिहड़ा रोकण लई अगे तों ते इस घोटाले दी जिहड़ी है पैसों की प्राप्ति जिहड़ी है वापसी कराई जावे देश नूं, उस दे वास्ते अन्ना हजारे ने अंदोलन किया सी और उन्होंने ये कहा सी कि लोकपाल बिल जिहड़ा वो लोकपाल बिल लियाना जरूरी और देश दे विच ये अंदोलन चलिया सी। उस वेले कांग्रेस की सरकार सी ते सलवार बाबा उर्फ जिहड़ा ये कहा जावे कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाला बाबा उन्हें भी एक बड़ा योगदान दिता सी जदों उन्हें उत्थों सलवार पा के भजना पै गया सी और ये ड्रामा और नौटंकी जिहड़ी सीगी बीजेपी और RSS की मिली भुगत नाल ये हुई सी। उहदे विच्चों 3-4 लीडर होर निकले सन, जिहड़ा सीगा अरविंद केजरीवाल उन्हें आम आदमी पार्टी बनाई और झाड़ू दा उन्होंने जिहड़ा सिंबल लैके ये दस दिता भी वह झाड़ू जिहड़ा देश नूं साफ करन लई कीता जाएगा पर देश नूं किवें साफ करना है वह अजे तक नहीं बयान कर सके। किरण बेदी निकली जिन्हों इलेक्शन दे विच बीजेपी जॉइन करा के उन्होंने टिकट दवा के दिल्ली तो लड़ा दिता गया और वह बुरी तरह हार गए, उन्होंने दंद खट्टे हो गए और उन्होंने उस दे इवज वजों उन्होंने जिहड़ा गवर्नर लगा के भेज दिता गया गोवा का। इस तरह कई होर सज्जन सन जिहड़े इहदे विचों निकले, स्वामी बाबा योग बाबा जिन्हों कहने असी रामदेव वह इस हिसाब नाल निकलिया कि उन्हें बेचारे ने सलवार पा के भजन का षडयंत्र या नाटक तो जरूर कर दिता पर उस दे बारे विच ये कहा जाता जिहड़ा बाबा दो ठगे का नहीं सी, योगा दे विच ही सिर्फ वो सी, अज वो दो ठगे वाला व्यापारी बाबा जिहड़ा किन्ने हज़ार करोड़ का बन गया क्योंकि उन्हें भी एक जिहड़ी ये फोकी मिसाइल छड़ दित्ती सीगी। मोदी सरकार बनन दे 90 दिनां दे विच विच जिहड़ा विदेशी काला धन तुहाडे लई वापस आ जाएगा। अज देश दे विच किसी ने जरूरत नहीं की इस चीज़ नूं देखण दी पकड़न दी। उहदे कड़ी दे विच जे असीं ये देखिए एक साढ़े सीगे नेता स्वामी देखिया जाए सुब्रमण्यम स्वामी उन वह भी इस अंदोलन की देन सन, ये सारी जिहड़ी तिकड़ी चौकड़ी सीगी ये किवें ते किस हिसाब नाल निकली और किवें इन्होंने देश के लोगों को गुमराह करके बेवकूफ़ बना के मोदी सरकार को समर्थन देने दे वास्ते एक कुचज्जा या सुचज्जा योगदान पाया ये तुहाडे सामने है। इस दे लई सब तो पहले जिहड़ा योगदान सीगा गोदी मीडिया ने अपनी गोद विच लए जिहड़े दो खिडारी सीगे जिहदे अडानी ते अंबानी उन्होंने टोटल 33 तों 40 तक चैनल जिहड़े ने चलते ने उन्होंने काबू किया गया, उन्होंने पुठे सीधे लालच दे के उन्होंने पैसे उगरा के उन्होंने काम करके उन्होंने लारे ला के उन्होंने फुसलाया गया। देश दे विच जिहड़ा उस वेले 2014 दे विच रुझान ये सी कि लोग अंबानिया अडानिया के जिहड़े चैनल सीगे मैं नाम नहीं लै रहा उन्होंने देखते सन और इन चैनलों दे राही एक ही आवाज़ उठाई गई अच्छे दिन आने वाले हैं अच्छे की आने इतने तो जोड़े थोड़े को दिन सके वह भी जाते रहे और अज लोग ये कहते हैं साढ़े जोड़े बुरे दिन सके सूँ उ लटा दौ सू उ चंगे ने अज जो जे जे देखा जाए कोई भी वस्त है खाण पीन वाली उत्ते कब्जा कराने ली मोदी के दो लाठ जड़े ने एक अंबानी अडानी जड़े ने उन्होंने वास्ते किसानी बिल लिया गए ने। दो बंदियां नूं खुश करन दे लई मोदी साहब ने 130 करोड़ लोगों की नाराजगी जिहड़ी है मुल ले लई आ और उन्होंने कोई फिक्र नहीं कोई सिर ते असर नहीं और खिलवाड़ दर खिलवाड़ जिहड़े ने अगों 2014 विच राजभाग संभालन तो बाद भारत के लोगों नाल हुंदा रहा। यह भारत के लोग कहिंदे ने पार्लीमेंट विच कहा जांदा है, ये मैं अपने कोलों नहीं गल्लां कर रहा, यह जो हो रहा घटनाक्रम तुहाडी निगाह विच वी है
मेरी निगाह विच भी सिर्फ तुहाडी याद जिहड़ी है उस याद नूं जिहड़ा मैं हलूणा दे रहा भी तुसी घट्टो घट्ट देश की एकता नूं समर्थन दिओ। सानू इहो जिहे लोगों की जरूरत नहीं जिहड़ा खुद टुकड़े टुकड़े गैंग हो के निबड़ जाए। टुकड़े टुकड़े गैंग की है तुसी खुद देखो, आ नवा एक रौला पै गया असाम दे विच ते सिक्किम दे विच जिथे आर एस एस ते बीजेपी आमने सामने ने। ये क्यों? दोवां राज्यां दे विच इन्हां दी मिली भुगत दे नाल देश दे लोग मर रहे ने और इन्हां नूं कोई फिक्र नहीं, कोई फाखा नहीं। दोनों जिहड़ियां स्टेटां उन्हां दे पुलिस वाले आमने सामने इस तरह ने जिवें हिंदुस्तान ते पाकिस्तान दीआं जिहड़ियां फौजां ने आमने सामने हुंदियां। तुसीं थोड़ा जिहा होर विचार करो इस तों पहले दे घटनाक्रम ते। 2016 की गल दसन लग्या तुहानूं जदों नोटबंदी होई सी किन्ने लोग मर गए सीगे याद है ना, किवें नोटां लई तरसते सो ये भी याद होना तुहानूं। 15 लख रुपए का जुमला जिहड़ा आउणा सीगा तुहाडे लई ओह जुमला बन के रह गया। 15 लख किसे दे नोट ही नहीं आए। जिहड़ी जन धन की जिहड़ी योजना सी ओह शुरू होई सीगी ये खोल के ये सोच के बई आम लोग जिहड़े ने उहनां दी KYC आ जाएगी बैंकां कोल। बैंकां विच ये जन धन योजना के अधीन जिहड़े हैं ये बैंकों के विच खाते खोले जाएंगे तो सरकार को डाटा आ जाएगा कि किदे कोल की है। तुहाडी जिहड़ी है विरासत उहदे उत्ते ये डायरैक्ट अटैक सीगा जन धन योजना दे राही। और इहदे विच मेरे देश के भोले भाले लोग किवें ते किस हिसाब नाल फिसल गए ते फुसल गए ये भी तुहाडे सामने है। ना तो 15 लख रुपये आए क्योंकि 15 लख रुपया की खातर जिहड़ा सी ए एक जन धन योजना नूं समर्थन मिलिया। सारे लोगों नूं ये सी भी 15 लख तो मुफ्त ही घर बैठे आ जाने हैं क्योंकि विदेशों तो स्वामी जिहड़ा रामदेव वो काला धन लैन लई गया, वो काला धन लैन लई गया या उत्थे जमा करान लई गया। ये तो स्वामी रामदेव दस सकदा या सरकार दस सकदी है या ED दस सकदा। सरकार दा जिहड़ी रेडिंग एजेंसी है, एक रेडिंग एजेंसी हुंदी है जिहनूं असीं कहिंदे आ भी हमला करन वाली, उहदे विच ED शामिल है, इनकम टैक्स शामिल है ते उहदे विच CBI शामिल है ते NIA शामिल है ते इस तरह दीआं कई होर एजेंसियां ने जिहड़ियां शामिल ने। ते एक हुंदी है रेडिंग एजेंसी तों अलावा तेजिंग एजेंसी। तेजिंग एजेंसी जिहड़ी है उह कौन सांभ रिहा? तेजिंग एजेंसी दे विच जिहड़े आ जुमले तुरदे ने, जुमले बनते ने, जुमले जिहड़े ने चलते ने, वो किवें चलते ने ते किवें ते किस हिसाब नाल चलते ने वो तुहाडे सामने है। 2016 दे विच इह कहा गया काला धन बाहर आ जाएगा, जिन्ना पैसा सी सरकार दा जिन्ना उन्हां कोल वापस गया उन्ना ही उन्होंने रिलीज़ किया ते काला धन कित्थे गया और इस दा देश नूं की नुकसान होया? शायद मोदी साहब अंदाज़ा नहीं ला सके, BJP वाले अंदाज़ा नहीं ला सके। जे वो काला धन सी तां सरकार इस नूं सार्वजनक करे, नहीं तो देश के लोग ये कहते हैं पार्लीमेंट में यह किया जाता, असैंबलियों में यह किया जाता है कि इन्होंने काले धन की दुरवरतों करके अपने की हिसाब से किस तरह किए ने, अंबानिया अडानिया किस तरह किया इन्होंने फायदा, वह भी थोड़े सामने है। किसानी बिल जड़े ने 3 किसानी बिल असी वापस नहीं लैने, तुसी अमेंडमेंट करा लो भावें सारी, तो एक क्लास ये भी पा दौ बई जे अंबानी अडानी कितने भी एक कौमी फुल स्टॉप की भी कुताही कर जान तो उन्होंने सारी जायदाद जिहड़ी है भारत के लोगों लई कुर कर दिती जाएगी। ये कलौथ नहीं पानी इन्होंने, क्यों नहीं पानी? क्योंकि यारां नूं खुश रखना, यारां ने इन्हां लई सरकार बनाउण विच योगदान दिता, अपने चैनलां दी खूब दुरवरतों की है। तुसीं देखदे होवोगे श्वेता सिंह ते अंजना ओम केशव किवें मोदी साहब नाल राहुल दे नाल मिल के ठहाके मार रही हैं। ये तीनों जिहड़े पात्र ने मोदी मीडिया दे गोदी मीडिया दे इन्हां दा मैं नाम लिया, राहुल गांधी जी का नाम नहीं लिया कि जरे भुलेखे च ना पै जाओ। तुहानूं एक गल होर भी दस दें तो चेता दें, एक नवा स्यापा पै गया जी होर मोदी सरकार लई, वो की पै गया? वो ये पै गया जे कि JP नड्डा जिहड़े ने BJP दे प्रधान उन्होंने भी बेचारिया ने कोई ना कोई गल तो करनी हुई ना, तो उन्होंने ये दिशा निर्देश हदायतां दे दित्तियां 43 नवें बने मंत्रियों नूं भी तुसी जाओ ते लोगां नाल संपर्क करो, अपने अपने एरिए विच जाओ, अपने अपने हलके विच जाओ। इस तरह BJP दे जिहड़े सांसद ने उन्हां दीआं वी ड्यूटियां लग रहीआं, उन्हां दी जान लई नवां स्यापा ये पै गया कि
क्योंकि जिदा का स्वागत पंजाब हरियाणा में हो रहा है इन्हों का बीजेपी के लीडर का वो सांझा जड़िया लोगों दियाँ आम लोगों दियाँ सांझा क्यों खिचड़ी दियाँ सांझा उन्होंने तोड़ता जा रहा है। वो क्यों तोड़ता जा रहा है ये थोड़े सामने है ये विचार जोड़ा और उन्होंने 43 नवे मंत्री बनने लिए तो बीजेपी के सांसद जोड़े ने जिन्ह ड्यूटियां लग रही हैं कि तुम जाके 2024 की जी इलेक्शन की जी है ग्राउंड जी है बीजेपी लिए बनानी है तय करनी है क्योंकि लोगों ने इस वेले इन्हों के जुमलों में नहीं आना इन्हों सबक सिखा की पूरी ठान ली है। जे किधरे चमत्कार EVM का ना हो गया जे मोदी साहब तुम इन्हें बहुत वधिया सादगी वाले बंदे हो सारा खुश हो तो थोड़ी सादगी के चर्चे जड़े ने घड़ियां दे ऐनकां दे सूटां दे सूट बूट वाली सरकार दे ये क्यों होंदे ने। लाल बहादुर शास्त्री भी प्रधानमंत्री सन उन्हां तों ही कोई सिख लैण दी अकल लै लैंदे या उन्हां तों अकल कर लैंदे या अपने देश नूं जिहड़ा चाह वेचण वाला है वह चाह वेचण वाला ही बन के दसता कि वाकई मैं देश के लोगों लई दिल की चाह नाल तुहानूं मैं आह चीज़ दित्ती है। सारा देश गिरवी रख दिता 250 टन सोना जिहड़ा गिरवी रख दिता तुसीं ये कहिंदे हो भी उहदी हिफाजत नहीं हो सकदी। जे उहदी हिफाजत नहीं हो सकदी तो सरकार मोदी जी तुसीं ये दसो कि देश दीआं सरहदां दी सुरक्षा ते हिफाजत किवें होएगी देश के लोगों की सुरक्षा ते हिफाजत किवें होएगी। तो यह भी दसन का यतन करो कि जिहड़ा इंटेलीजेंसिया विदेशों नूं रुख कर रहा है उसनों इत्थे रखन लई तुसी की उपराले कीते ने। अज तुसी तुहाडे गोदी मीडिया के चैनलों ने जे देखा जाए तुहाडे बड़े गुणगायन किए बड़े जुमले छड्डे तुहाडे हक विच बड़ियां डिबेटां कीतियां और कई बार तो यह लगता है जिहड़ा एंकर है वो एंकर न्यूट्रल ना हो के बैलेंस ना हो के बीजेपी का प्रवक्ता हो इस तरह का काम करता है इस तरह की ड्यूटी संभालता ये भी थोड़े सामने है। मेरे देश के लोगों तुसी इन्हां जुमलियां तो प्रभावित ना होवो तुसी अज मोदी साहब नूं शरेआम सवाल करो तुसी की कीता देश लई मेड इन इंडिया तुसी तबाह कर दिता मेक इन इंडिया तुसी कहा सी बनावांगे वह बनिया नहीं ते तुहाडियां जिहड़ियां ये जुमलेबाजियां ने देश का किन्ना नुकसान किया इहदे लई एक बिल लैके आओ और जे तुहानूं आप नूं भी सज़ा भुगतनी पवे ट्रायल दे विच ते जरा जरूरत दिखाओ ना सज़ा भुगतन दी ये क्यों नहीं दिखाते जिन्हें थोड़े मंत्री ने उन्हें भी ये मुकदमे चलन जिन्हें थोड़े MP ने उन्हें भी मुकदमे चलन। तो मैं ये भी कहांगा अंबानिया ते अडानिया की जायदाद कुरक करके देश के लोगों नूं समर्पित कर दी जाए ता कि देश का जिहड़ा भी आर्थिक नुकसान होया उस आर्थिक नुकसान नूं घट्टो घट पूरा किया जाए और इहो जिहियां गल्लां अगे तो देश के विच ना आ सकन भावें वह सरकार कांग्रेस की होवे भावें तुहाडी होवे भावें किसी होर दी होवे स्टेट गौरमेंटां जिहड़ियां ने उन्हां दा भी रुझान जिहड़ा चंगा नहीं रहा वह भी लुट खसुट वाल ही है। जे केंद्र सरकार दा रुझान लुट खसुट वाल है तो यह भी लुट खसुट वाल ही है। किन्ने इंडस्ट्रियल यूनिट जिहड़े ने बंद हो गए ने किन्नियां नौकरियां जिहड़ियां चलियां गईयां उन्हां दे उत्ते भी जरा तवज्जो करो गौर फरमाओ आके सार्वजनक होवो मन की बात दे विच गल्लां करो ना दो चार क्यों नहीं करदे मन दियां जिहड़ियां गल्लां करदे हो तुसी मन की बात करदे हो प्रोग्राम चलांदे हो तुसी जो तुहानूं लिख के दे दित्ता जांदा तुहाडे थिंक टैंक वल्लों उह तुहाडा जिहड़ा है कोई इमेज या ग्राफ मोदी साहब वधा नहीं रहा। मेरी गल नोट कर लो तुहानूं भावें बुरी लगे या चंगी लगे उहदे नाल जिहड़ा बीजेपी का ग्राफ गिरदा पिया और बीजेपी जिहड़ी है कोई विदेशी ताकत नहीं है लेकिन विदेशी ताकत होण दा जिहड़ा उन्हों एक सेहरा इस करके मिल गया क्योंकि देश के हित विच इन्होंने कोई काम नहीं किया। अज जिहड़े बीजेपी के नॉर्मल वर्कर ने वह भी दुखी ने तंग ने क्योंकि जिस तरह का पंजाब हरियाणा के विच इन्हां दा स्वागत हो रहा है ये जिहड़े नवे 43 मंत्री बने ने उन्हां दियां ड्यूटियां JP नड्डा साहब ने ला दित्तियां अपने अपने हल्के एरिए विच जाओ जनसंपर्क कायम करो बहुत अच्छा काम किया है पर यह टैसटिंग जिहड़ी है उन्हां तों शुरू इसलिए की है कि जे उन्होंने जुतियां पै गई या उन्होंने स्वागत होया उस तो असी उस हिसाब न जी 2024 की इलेक्शन की जी रणनीति कर लवेंगे क्योंकि बंगाल दे विच साडा वो काम होया खटन गए खटाऊ की खट लियाए शुक्र करो सिर मुनियो जिंदे घर आए। मोदी जी ने जो ममता बैनर्जी नाल दीदी ओ दीदी दे जुमले छड़ के जो उन्होंने देश की एकता टाल आई है
देश की औरत के मान सम्मान को ढा लाई है और जेड़ा उन्होंने इस तरह का काम किया देश उन्होंने नाल बहुत खफा है गुस्से है इस चीज़ तो संभलन की जरूरत है देश की एकता ते अखंडता निभाने की तो वचन दे नाल नहीं होनी गल निभाने की जिहड़ी है संस्था की होनी चाहिए है RSS जिहड़ी है वह सोचती है साढ़े को 15 करोड़ जड़े ने साडे जड़े निखरधारी ने वो देश की सुरक्षा कर लेंगे लेकिन जदों देश की सुरक्षा का वेला आता तो फिर उन्होंने जी उग सुग है कितने नहीं पता लगती भी किधर न गए हैं लाठी घुमाते या किधर न गए हैं कई बार तो हिसाब इदा का होया भी उन्होंने लाठी खो के उन्होंने सिरे च ही वज जाती है ये सांझा टुट रही ने मोदी सब कुछ ध्यान करो अकल में हाथ मारो इस वेले जी टुकड़े टुकड़े गैंग वाली पॉलिसी थोड़ी सी जुमला छड़िया होया वो तुहाडे उत्ते ही आके भारू पै गई है डिग पई है ज़्यादा ना कहता होया मैं ये जरूर कहांगा जेडे नवे बैंकिंग लाज आ रहे हैं वह भी तुहाडी जेड़ी है विरासत देश के वासीओ मेरे देश के वासीओ वो तुहाडी विरासत के उत्ते हावी हो रही है भारू हो रही है इस नूं भारू ना आउण दिओ अपनी विरासत नूं जरूर बचा लिओ विरासत दे विच तीन चीज़ा आउंदियां ने बजुर्गों की दित्ती हुई पैसा धेला बजुर्गों का दिता होया संस्कार ते प्यार ते एकता दियां सांझां देश वास्ते ते बजुर्गों का दिता होया ये भी मान सम्मान के देश लई किवें मर मिटना इनियां जे तीन गल्लां तुसीं मोदी साहब जे तुसीं पल्ले बन लो जां बीजेपी दे केडरां दे विच ये गल चल जावे तो मैं तुहाडा अति धन्नवादी होवांगा ज़्यादा ना कहिंदा होया अज गल्लां इनियां ही इस वीडियो नूं वध तों वध शेयर करना सबसक्राइब करना मेरे हर देशवासी तक यह सुनिया जाए कि सानू देश की एकता ते अखंडता कायम रखने वाली जिहड़ी है सरकार जिहड़े MP ने वह चाहिए ने जे ये नहीं कर सकते तो मोदी साहब एक बिल लिया सकते हैं जिहदे विच उन्हां नूं सज़ा का प्रावधान उस तरह हो सकता जिवें विदेशों में हो सकता तो मोदी साहब एक काम होर कर दिओ चलते चलते जाते जाते वो ये कर दिओ कि जेड़े भी MP MLA बार बार पेंशन लै रहे हैं 5 साल बाद या 2 साल बाद या 1 साल बाद या अस्तीफा देने तो बाद उन्होंने सारे दिया पेंशन बंद करके देश की आर्थिकता जी ढा ला रहे हो तुम तो लोगों का खून नचोड़ रहे हो तुम तेल दिया कीमत वधा के भावें खाने वाले तेल ने तो भावें कारा गड्डियाँ पैन वाले तेल ने वो तुम कृपा करके उन्होंने राहत दो इस तरह की लुट खसुट ना मचाओ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि देश गुजरात का हिस्सा है तो वह गुजरात का हिस्सा जोड़ा है वह किसी तरह भी बदनाम हो देश का हिस्सा किसी तरह भी बदनाम हो जे परिवार का एक मैंबर माड़ा निकल जाए तो सारे परिवार के उत्ते आँच आ जाती है इस गल नूं देखना ये वीडियो तुसी लाइक करना वध तों वध शेयर करना हर देशवासी तक ये वीडियो पहुँचे इन्नी मेरी बेनती प्रवान करना सत श्री अकाल।